खबर उत्तराखंड से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी पहुंचे। वहां उन्होंने एफटीआई सभागार में वनाग्नि को लेकर वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही सीएम ने पेयजल किल्लत को लेकर भी जल संस्थान के अधिकारियों को व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बैठक में कुमाऊं कमिश्नर और जिलाधिकारी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही वीडियो कॉल के माध्यम से कुमाऊं मंडल के सभी अधिकारी भी बैठक में जुड़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जल्द से जल्द किसी भी कीमत पर जंगलों में आग को काबू किया जाए। साथ ही फायर सीजन तक वन विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ काम करें। इसके अलावा बता दें कि जंगलों में आग बुझाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वनाग्नि को हम लोगों ने बहुत चुनौती के रूप में लिया है और जो भी वनाग्नि को रोकने के लिए जरूरी इंतजाम है, जरूरी काम है, वो सब करने को आज कहा है। यहाँ पर पूरे सभी प्रमुख अधिकारियों के साथ आज इस पर चर्चा की है और जिला अधिकारियों को, जिले के अन्य विभागों के अधिकारियों को, सबको समन्वय के साथ काम करने के लिए और जो फायर स्टेशन है उनको एक्टिव करने के लिए कहा है। युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह और स्थानीय स्तर पर जो लोग जंगलों के समीप रहने वाले हैं, सबका सहयोग लेने के लिए भी कहा है।